हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फाइनली हम लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अभी लगभग हर रेडमी मोबाइल में MIUI10 अपडेट आ चुका है। तो आज मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडमी नोट 4 जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, उसमें ग्लोबल 9.5 मेरा अभी चल रहा है और मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा MIUI10 जो ग्लोबल बीटा रोम आ चुका है हम लोग के पास। तो मैं इसको डाउनलोड कर लिया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आप कैसे पोर्ट्रेट मोड ऑन कर पाएंगे MIUI10 में, उसका भी प्रोसेस दे दूँगा मैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसका फाइल डाउनलोड कर लिया है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको मैं रिकवरी प्रोसेस में कर रहा हूँ। अगर आपका बूटलोडर अनलॉक है तो इसको आप रिकवरी प्रोसेस में कर सकते हैं, TWRP या रेडूट रिकवरी के माध्यम से आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। उसके लिए ये फाइल चाहिए, MIUI10 नोट ये वाला जो फाइल है, ये फाइल 1.5 GB का है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ओके। और दूसरा एक प्रोसेस है, अगर आपका बूटलोडर अनलॉक नहीं है या फिर TWRP इंस्टॉल नहीं है तो आप फास्टबूट मेथड से कर सकते हैं, या फिर इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पर रख लीजिए, और अगर आपका बूटलोडर अनलॉक नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बूटलोडर अनलॉक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेवलपर ऑप्शन में जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि OEM अनलॉक ये है ना, और यहाँ से आप देख सकते हैं अनलॉक स्टेटस, यहाँ पे अनलॉक है, मेरा बूटलोडर ऑलरेडी अनलॉक है। तो अगर आपका बूटलोडर लॉक्ड है तो आपको क्या करना है, वो रिकवरी फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन सिस्टम अपडेट, यहाँ से आपको चूज अपडेट पैकेज यहाँ पे जाना है और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करते ही आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे है उसको फाइल को लोकेट करके सिलेक्ट करके आप अपडेट ओके कर देंगे तो आपका ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ओके। तो मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, और एक प्रोसेस है जो फास्टबूट मेथड है, जो आपको अगर आपका बूटलोडर अनलॉक नहीं है या फिर आप क्लीन फ्लैश करना चाहते हैं आपका रेडमी फ़ोन को, तो फास्टबूट फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा और साथ में MIUI फ्लैश फोन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ से आप कंप्यूटर के माध्यम से इसको कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग अभी चलते हैं रिकवरी में, रिकवरी में जाने के लिए अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे रिकवरी में, रिबूट टू रिकवरी में। फोन रिबूट हो रहा है और मेरा रेडूट रिकवरी इंस्टॉल है, और कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले या फिर वाइप करने से पहले आप अपना सिस्टम डेटा को बैकअप कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी बैकअप कर लिए हैं, देख सकते हैं रेडूल रिकवरी ऑन हो रहा है। रेडूल रिकवरी में एक ऑप्शन अच्छा है कि इसमें आपका OTA अपडेट जब आएगा ये ग्लोबल बीटा रोम में, तो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, आपका स्टॉक रिकवरी का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसमें कुछ सेटिंग्स मैं कर लेता हूँ, अब आपको
आपको क्या करना है, पहले तो आप बैकअप कर लीजिए आपका सिस्टम डेटा कैच और बूट पार्टीशन को, यहाँ से आप बैकअप कर सकते हैं। बैकअप करने के बाद आपको क्या करना है, मैं अभी मेरा जो MIUI9 इंस्टॉल है मैं उसके ऊपर ही ये रोम को फ्लैश करके देखूँगा MIUI10 को, क्योंकि मैं मेरा जो डाटा है उसको मैं डिलीट नहीं करना चाहता। ओके, तो हम लोग वाइप नहीं करेंगे। आप क्लीन फ्लैश करना चाहते हैं तो यहाँ पे वाइप में जाइए, एडवांस वाइप में जाइए और टेलवी कैच सिस्टम डेटा और कैच को आप वाइप कर दीजिए। इसको स्वाइप करते ही वो वाइप हो जाएगा, लेकिन मैं क्लीन फ्लैश नहीं करना चाहता, मेरा जो डेटा है मैं उसको रखना चाहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बैकअप कर ले लिया है, अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अभी इंस्टॉल में जाएंगे और हमारी जो फाइल है उसको लोकेट करेंगे। ये है, इसका वर्सन है ग्लोबल बेटा रोम है और जो वर्सन 0.7.12 वर्सन, ये लेटेस्ट वर्सन है अब तक का, अभी इसके ऊपर कोई भी आया नहीं है। तो अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इसको स्वाइप कर देना है। इसको इंस्टॉल होने में लगभग 10 मिनट लगेगा, तो हम लोग वेट करते हैं। बैकअप ले रहा है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लगता है क्योंकि ये ओटी अपडेट में काम करता है। ये लगभग फिनिश होने जा रहा है, ये सक्सेस हो गया फ्लैशिंग। अभी क्या करना है, रिबूट सिस्टम। हो रहा है फास्टफूड में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 to 15 minutes। I love you, 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 love you
ये जो है फ़ोन ऑन हो चुका है और ये MIUI10 का लेटेस्ट वर्जन है, ग्लोबल बीटा। और मैं इसको फॉर्मेट नहीं किया, वाइप नहीं किया, इसलिए इसमें सब कुछ डाटा जो मेरा था वो रह चुका है, रह गया है। तो देख सकते हैं MIUI10 ग्लोबल 8.7.12 Redmi Note 4। मेरा जो भी डाटा था, जो भी ऐप्स था, वो सेफ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इसका MIUI10 का सेटिंग पैनल भी चेंज हो चुका है, यहाँ पे जो ब्राइटनेस बार भी चेंज हो चुका है, इसका जो रिसेंट जो है वो भी डिफरेंट है, तो सबसे अच्छा है। और इसका कैमरा देख लेते हैं, अभी इसमें पोर्ट्रेट मोड नहीं है, आप देख सकते हैं इतना ही कुछ ऑप्शन है, लेकिन इसमें पोर्ट्रेट मोड अभी नहीं है। लेकिन इसका कैसे करना है, इसका मैं प्रोसेस में आपको दिखा दूँगा। ओके, तो कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं। कैमरा नॉर्मली जो MIUI 9 में जो था वही कैमरा इसमें अभी है। डर में कुछ दिखा रहा है, इसमें बैटरी बैकअप भी अच्छा है और साउंड भी पहले से बेहतर हो चुका है। तो कुछ दिन पहले जो अल्फा रोम आया था MIUI का, वो उसमें प्ले स्टोर वगैरह काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं प्ले स्टोर अभी नेट ऑन नहीं है। प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ काम कर रहा है इसमें, लेकिन इसमें जो एंड्रॉयड वर्सन है वो अभी तक एंड्रॉयड 7 ही है इसमें, बट तो उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो अभी चलते हैं कि कैसे आप इसमें पोर्ट्रेट मोड ऑन कर सकें। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसमें और दो फाइल है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक है ये है MIUI10 APK कैमरा, इस फाइल को डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलिंग का इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद और एक फाइल आपको लगेगा, एक MIUI10 कैमरा और इसके साथ ये पोर्ट्रेट एनेबल करने के लिए एक जिप फाइल है, उसको आपको PWRP या फिर रेडूस रिकवरी के माध्यम से आपको उसको फ्लैश करना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये जो है बोके पोर्ट्रेट मोड MIUI10 की जो फाइल है बोके पोर्ट्रेट मोड, इसको आपको फ्लैश करना पड़ेगा रेडूस रिकवरी के माध्यम से। तो हम लोग फिर से एक बार रिकवरी में चलते हैं सेम प्रोसेस में। रेडूल रिकवरी में हम लोग आ चुके हैं, अभी इंस्टॉल में जाइए और वहाँ पे जो फाइल है हीरा बोके पोर्ट्रेट मीडो, इसको फ्लैश कर दीजिए। ये एरोमा इंस्टॉलर है, ये हो गया कंप्लीट, पोर्ट्रेट मोड सक्सेस दिखा रहा है। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, रिबूट। स्टार्ट हो चुका है मोबाइल,
सिर्फ यही कैमरा है, देख लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड एक्टिव हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड का कैमरा का इमेज ये है, बहुत ही अच्छा इमेज आ रहा है। तो पोर्ट्रेट मोड में ऑन हो चुका है, और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें दिया है। फ्रंट में भी इसका पोर्ट्रेट मोड काम करेगा, फ्रंट कैमरा में भी। तो और इसमें ये जो पैनल दिया है ये भी अच्छा है। रैम इसमें 2.3 GB अवेलेबल फ्री, मतलब रैम भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इतना अच्छा है। और ओके, सब कुछ सेम है। और दूसरा एक देख लेते हैं थीम, इसमें बोल रहे थे कि थीम सब पुराना वाला जो थीम है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैं थीम अप्लाई करके देख लेता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है, ओके। MIUI10 ये जबरदस्त लुक है MIUI10 का, और फीचर भी अच्छा है। और इसमें सब कुछ अभी थीम में सब कुछ चेंज हो गया, और इसमें ये जो क्विक सेटिंग का पैनल है ये भी बहुत ही अच्छा है। वोल्ट ही नहीं दिखा रहा है इसमें, यह दिखा रहा है 80। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादातर लोगों को, और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।